हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईटी कर्मा में। और हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है, कुछ बच्चों की काफी सारी क्वायरी आई थी कि सर डिटरमिनेंट थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे पहले भी बोल रहा हूं, मैंने माई क्लासरूम पे भी वीडियो बना रहा हूं, आप अब इससे ज्यादा पढ़ने की, थ्योरी पढ़ने की ज्यादा कोशिश ना करें, ठीक है। टॉपिक डिसाइड कर लिए हैं, उसी में बढ़ते रहे आगे, वो ज्यादा बेटर है। तो मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहूंगा कि स्टक रहे अपने टारगेट से, अपने रूटीन से, बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा दूर एग्जाम है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कंसेप्ट जैसे डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में जनरली जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो कम आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए, ट्वेल्थ बोर्ड में रहती है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को छोड़ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो ट्वेल्थ बोर्ड में यूज नहीं होती। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्रैमर्स रूल से जो निकाला जाता है, और हर बार 2013 से लेके आज तक, 2013 से 21 तक, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आए हैं। दो प्रॉब्लम आते हैं, एक मैट्रिक्स का, एक डिटरमिनेंट का, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। और वो क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट का आता है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड होता है, क्रैमर्स रूल के थ्रू हमने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट की हुई है उससे। तो मैं आपको वो इक्वेशन, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो क्रैमर्स रूल है और उसका यूज कैसे करना है, किस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, उसके बारे में मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। तो बिल्कुल टाइम गवाएंगे नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज क्रैमर्स रूल? तो क्रैमर्स रूल ये बोलता है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। तो आपको x, y, z की वैल्यू निकालने का एक प्रोसेस है छोटा सा, जो चाहे आप टू डायमेंशन में भी लगा सकते हैं और थ्री डी में भी लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले निकाला जाता है d, ये क्रैमर्स बोलता है d, d इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशियंट ऑफ x, y, z रेस्पेक्टिवली a1, b1, c1, समझते चलना, a2, b2, c2, a3, b3, c3, कोफिशियंट लिख दिए वैसे के वैसे, ठीक है। दिस इज d, कैपिटल d, या कुछ लोग कुछ थ्योरी में, कुछ बुक्स में इसे डेल्टा भी बोलते हैं, मैं d बोल रहा हूं, ठीक है। फिर d1, d1 क्या आता है, व्हाट इज d1? d1 में आप अगर d में फर्स्ट कॉलम की जगह आप कांस्टेंट रख देंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम बन रहा है d में, अगर आप इसकी जगह कांस्टेंट टर्म रख देंगे तो d1, d2, d3 और बाकी सब सेम रहेगा, b1, c1, b2, c2, b3, c3, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड d1। सिमिलरली व्हाट इज d2? ये क्यों कर रहे हैं, कैसे, क्या, मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूं पूरी। d2 क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे क्या करेंगे, ये जो d लिखा है इसके सेकंड कॉलम में अगर कांस्टेंट रख देंगे, बाकी सेम रखेंगे, तो वो d2 कहलाएगा। और कैसे याद रखेंगे उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। दिस इज d1, d2, d3 एंड c1, c2, c3 एंड सिमिलरली d3। व्हाट इज d3? थर्ड कॉलम की जगह आप कांस्टेंट रख दें, दिस इज d1, d2, d3 एंड a1, a2, a3 सेम, b1, b2, b3 सेम। अब होता यह है कि x की जो वैल्यू बोली जाती है क्रैमर्स में, जो क्रैमर्स में x की वैल्यू बोली जाती है, दैट इज d1 बाय d। इससे आप याद रख सकते हैं कि d1 में x निकालने के लिए हमें x प्रायोरिटी था, तो हमने d1 जो है निकाला है x के कोफिशियंट को हटा के उसमें कांस्टेंट रख के, दैट इज d1। अगर आप y बोलेंगे तो हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने y के कोफिशियंट d से हटा के कांस्टेंट टर्म लिख दिए, सो दैट इज d2 बाय d एंड z इक्वल टू d3 बाय d। दिस इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। मतलब आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं x, y, z की वैल्यू, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू d1 बाय d, d2 बाय d एंड d3 बाय d। हियर d इज द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, y, z रेस्पेक्टिवली। इन d1 वी जस्ट एलिमिनेट, बिकॉज वी आर यूजिंग the value of x, so we just eliminate the coefficient of x in d1 and put the constant there, so that will be d1, similarly d2, similarly d3। हम इसे दो तरीके से लिखा जाता है, एक इस तरह से लिखते हैं जब d नॉन जीरो है, जब d नॉन जीरो है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर d की वैल्यू जीरो हो रही है, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा जो मैं समझाना चाहता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, d इंटू एक्स इक्वल टू d1,
d into y equal to d2 and d into, लिख सकते हैं ना क्या फर्क पड़ रहा है, z equal to d3। ये दोनों बात याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, मेन कंसेप्ट पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज मींस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में, आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा, दूसरे पेन से, पेन का यूज करता हूं और कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे टू डायमेंशन होता था, ए वन एक्स बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ये मैं नाइन टेंथ की बात कर रहा हूं, ए टू एक्स बी टू वाई इक्वल टू सी टू। ठीक है, अब ये दो लाइन की इक्वेशन होती थी, लेकिन जब हमें पता भी नहीं था ये लाइन की इक्वेशन है, उस समय भी हम कहते थे कि इसको सॉल्व करने के तीन मेथड होते थे, वन इज एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन बिना सॉल्व किए हम कभी कभी कहते थे यूनिक सॉल्यूशन देगा, उसके लिए इनके कोएफिशिएंट में क्या निकाली जाती है, विदाउट सॉल्विंग इट इनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देख के भी हम समझ सकते थे कि ये क्या दे रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम कहते थे अगर ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू तो क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। इफ ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू तो क्या होता था, क्या होता था, नो सॉल्यूशन होता था। और अगर ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू तो ये क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था, दिस इज नो सॉल्यूशन एंड दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो हम लिखते हैं विदाउट सॉल्विंग इट, केवल कोएफिशिएंट से जो हम केस निकाल रहे हैं, यही केस क्या कहलाते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, ये टू डायमेंशन के लिए, ये टेंथ में पढ़ा था, हम थ्री डायमेंशन के लिए देख रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का यूज करके हम इसे समझ रहे हैं। ये हर साल ये आया है, ठीक है, जेई में। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें हर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के आप पिछले चार साल के क्वेश्चन ही देखें, 2018, 19, 20, 21, तो हर फोर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, हर फोर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसका है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, समझना। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये था ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। और इससे हमने x निकाल लिया था, x था d बाय डी वन, सॉरी डी वन बाय डी, मैं भी क्या कर रहा हूं, y इक्वल टू डी टू बाय डी एंड z इक्वल टू डी थ्री बाय डी। और इसको मैंने दूसरे तरीके से भी लिखा था, ठीक है, d इंटू एक्स इक्वल टू डी वन। ये यूज होगा अभी बच्चों, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा तो आपको लॉजिक समझ में आए, उसके लिए ये जरूरी है। एंड d इंटू जेड इक्वल टू डी थ्री, ठीक है, ये बात तो अलग हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देर आर टू केसेस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, देर आर टू केसेस, विच केसेस, फर्स्ट केस d इक्वल टू जीरो, d नॉट इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड केस d इक्वल टू जीरो। अब आप समझो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो है, इससे समझेंगे, डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो है तो x, y, z की कुछ ना कुछ एक एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ऊपर d1, d2, d3 कोई भी रियल वैल्यू लेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसका मतलब x, y, z का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इट इज कॉल्ड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। मैं समझाता हूं इसका मतलब, इट इज ऑल्सो गेट यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन दिए और इसका डी नॉन जीरो रहा, तो समझ जाना यूनिक सॉल्यूशन हो गया, बात खत्म। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपको एक्स और वाई और जेड की रियल वैल्यू मिल रही है, जब जब देसी भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जब भी एक्स वाई जेड तीनों की रियल वैल्यू मिल रही है तो क्या है, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, आपको दिख रहा है। अगर डी नॉन जीरो रहा तो डी वन डी टू डी थ्री कुछ भी वैल्यू लेगा, एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसमें दो केस बन सकते हैं, इसमें दो केस बन सकते हैं कि भाई डी वन डी टू डी थ्री कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस व्हेन डी वन इक्वल टू डी टू इक्वल टू डी थ्री भी जीरो हो गया। मतलब डी के बारे में बात कर ली, अब हम डी वन के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों अगर एक साथ जीरो हो गए, तीनों एक साथ जीरो हो गए, इसका मतलब है एक्स जीरो हो गया, वाई जीरो,
जेड जीरो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो यूनिक सॉल्यूशन में जब डी नॉन जीरो है और डी वन डी टू डी थ्री तीनों जीरो हो गए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों जीरो गए, तो ये जीरो 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 इज कॉल्ड जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन तभी कहलाता है जब यूनिक में जीरो 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 आते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी जीरो 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 आ सकता है, लेकिन वो यूनिक जीरो सॉल्यूशन नहीं कहलाता। वो जीरो सॉल्यूशन तभी कहलाता है जब यूनिक में जीरो 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 एक ही वैल्यू आती है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन कब होता है, कब होता है, कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन में जब जीरो 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 का केस होता है, तो उसी को हम जीरो सॉल्यूशन कहते हैं या ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अदरवाइज जब भी इसके अलावा कोई भी रियल सॉल्यूशन आते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्राइवियल, नॉन जीरो, ठीक है। अब एक यूनिक केस हो गया कि तीनों जीरो हो रहा है, अदरवाइज एटलीस्ट वन डी वन और डी टू और डी थ्री नॉन जीरो। अरे बहुत सारे केस बनेंगे ना एक्स वाई जेड के, वन जीरो जीरो आ रहा है, वन टू थ्री आ रहा है, कुछ भी आएगा, केवल तीनों एक साथ जीरो नहीं हुए, उसको छोड़ के जितने भी केस हैं वो सारे एक केस हैं। दिस इज कॉल्ड, ये भी यूनिक सॉल्यूशन का केस है क्योंकि डी नॉन जीरो है, बट यूनिक सॉल्यूशन में इट इज कॉल्ड नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ये भी दे रहा है, ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट मतलब रियल वैल्यू ये भी दे रहा है, लेकिन दो केस लगते हैं ना, एक पर्टिकुलर केस जब तीनों जीरो थे, इट इज जीरो और ट्राइवियल सॉल्यूशन, इसके अलावा जितने केस होंगे सारे नॉन ट्राइवियल। नाउ अगर डी जीरो हुआ तो, डी जीरो हुआ तो इससे नहीं समझ सकते, इससे समझो, डी जीरो हो गया इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, जीरो इंटू एक्स इक्वल टू डी वन, जीरो इंटू वाई इक्वल टू डी टू एंड जीरो इंटू जेड इक्वल टू डी थ्री, ऐसे लिखा है, समझ ना। तो इट ऑल्सो हैज टू केसेस, इसे पहले से हम यूनिक कंसिस्टेंट कुछ नहीं कह सकते, इसके बाद बोलेंगे। फिर से दो केसेस, इफ डी वन इक्वल टू डी टू इक्वल टू डी थ्री तीनों जीरो हो गए, मतलब ये कौन सा केस है, ये वाला केस है जब ऐसा आ रहा है जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वाई, ये तो था ही ना, डी वन डी टू डी थ्री तीनों जीरो, जीरो इंटू जेड इक्वल टू जीरो, ये वाला केस है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो क्या होगा, एक्स वाई जेड की जगह आप तुम कुछ भी रखते रहो, एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एल एच एस इक्वल टू होगा आर एच एस के, सो वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। व्हाट वी गेट, वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी ऑलरेडी जीरो था और डी वन डी टू डी थ्री भी जीरो हो गए, ये ऐसा बन गया। अब एक्स वाई जेड की हम कुछ भी रखेंगे, जीरो इंटू एनी थिंग विल बी जीरो, एल एच एस हमेशा बराबर होगा आर एच एस के, सो वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वी ऑल्सो गेट रियल सॉल्यूशन, सो वी गेट, वी कैन से सिस्टम is consistent, ठीक है। We also called it is non-zero solution. आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, x की जगह y की जगह z की जगह जीरो 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 लिख दूं, वो भी तो होंगे, बिल्कुल होगा, लेकिन जीरो सोल्यूशन का नेमिंग कब है, जब वो यूनिक सोल्यूशन के केस में जीरो जीरो जीरो, तभी जीरो सोल्यूशन कहलाता है, तभी ट्राइवियल कहलाता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ट्राइवियल, ठीक है, ये बात। नाउ अब दूसरा केस, एटलीस्ट वन, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि एटलीस्ट वन डी वन और डी टू और डी थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो रह गया, मतलब मैं समझाता हूं, ऐसा लिखा है जीरो इंटू एक्स इक्वल टू, मान लो ये जीरो है, जीरो इंटू वाई इक्वल टू जीरो है, लेकिन ये जीरो इंटू जेड इक्वल टू आ गया वन। अब क्या तुम जेड की ऐसी कोई रियल वैल्यू डाल सकते हो जिससे इसका जीरो के साथ प्रोडक्ट होके बना जाए, कभी नहीं आएगा, सो इट इज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन कहलाता है, या हम कहते हैं सिस्टम क्या है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये बात। अब इसमें एक छोटा सा नोट और मुझे लिखवाना है, जो मैं लिखवा के रहूंगा, इसमें नहीं, ये पूरे ओवरऑल केस में एक नोट है जिससे कंप्लीट हो जाएगा, जो जनरली यूज होता है, इफ डी वन इक्वल टू डी टू इक्वल टू डी थ्री अगर जीरो है, अगर जो इक्वेशन दी होगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसमें तीनों कॉन्स्टेंट जीरो है, तो ये तीनों कॉन्स्टेंट कहां कहां लग रहे थे, डी वन में डी टू में डी थ्री में, देखो जरा
ये तीनों किसमें लग रहे थे? D1 में यूज हुआ था, D1, D2, D3। तो अगर ये तीनों जीरो होगा तो पूरा डायगोनल की सारी वन कॉलम की सारे एलिमेंट क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब D1 जीरो हो जाएगा। अगर यहां पे जीरो तो D2 भी जीरो, और यहां पे जीरो तो D3 भी जीरो। तो यहां पर कई बार ये बोलता नहीं है कि D1, D2, D3 जीरो हो रहे हैं, ये क्या करता है कॉन्स्टेंट टर्म को जीरो कह देता है। तो अगर कॉन्स्टेंट टर्म जीरो होंगी तो D1, D2, D3 तीनों ही क्या हो जाएंगे? जीरो, ये याद रखना। और अगर D1, D2, D3 तीनों जीरो होते हैं तो दो ही केस बनते हैं, या तो ये वाला जीरो सॉल्यूशन या ट्रेवियल सॉल्यूशन, और या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हम कहें नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन। चमक रहा है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, या तो इस पे, या सबसे ज्यादा इस पे या इस पे। ये वाला केस कम ही यूज होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने, कहा सबसे पहले डी पे बात की, डी नॉन जीरो, डी जीरो। अगर डी नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो है तो D1, D2, D3 कुछ तो आएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट, मतलब हमें रियल वैल्यू मिलेगी एक्स वाई जेड की 100%। अब इसमें ये हो सकता है ये तीनों D1, D2, D3, अब इसके बारे में बात करें, तीनों एक साथ जीरो, तो एक्स की वैल्यू 0, 0, 0, एक पॉइंट मिल जाएगा 0, 0, 0। इसे मैं थ्री डायमेंशन में प्लेन के कंसेप्ट से भी समझा सकता हूं, लेकिन वो जेई मेंस में काम नहीं करता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। जब अपन एडवांस के कंसेप्ट देखेंगे, आपको चैनल पर मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन, तब मैं आपको समझाऊंगा उसमें। अभी फिलहाल के लिए मेंस के लिए इतना काफी है। 0, 0, 0 हम इसे जीरो सॉल्यूशन और इसे ट्राइबल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा D1, D2, D3 कुछ भी आएगा, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 5, 0 कुछ भी आए, वो सारे क्या कहलाएंगे? नॉन ट्राइवियल, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, एक D1, D2, D3 सारे एक साथ जीरो नहीं हो रहे। अब अगर D0 हो गया तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख लिया। अब फिर से D1, D2, D3 अगर तीनों जीरो हुए तो आप ये वाला केस हो गया, अब एक्स वाई जेड की जगह तुम कुछ भी रख लो, LHS इक्वल टू RHS, वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, रियल सॉल्यूशन रियल वैल्यू रख सकते हैं, तो सिस्टम कंसिस्टेंट, नॉन जीरो कहलाएगा और नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। और अगर इसमें D1, D2 या D3 में से एक भी नॉन जीरो रह गया, मतलब ऐसा कोई केस बन गया, तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, सो दैट विल बी नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और ये बता दिया अगर D1, D2, D3 ये कॉन्स्टेंट टर्म अगर जीरो होंगे तो D1, D2, D3 भी जीरो होंगे। ये बात अच्छे से चमकी होगी। मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं प्रीवियस ईयर मेंस के, और बाकी फिर आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जो मैं आपको प्रैक्टिस सीरीज दूंगा उसमें काफी सारे क्वेश्चन होंगे उसके, तो उसे क्लियर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन, एक दो प्रॉब्लम लेते हैं आपके लिए, जिससे आपको समझ में आए क्या चल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ मेरे को समय नहीं मिला राइट करने का, तो बस देख लें, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू आर, फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, x minus cy minus cz = 0, cx minus y plus cz = 0, and cx plus cy minus z = 0 has a non-trivial solution is option है first minus one, option second option है 1/2, third option है 2 and fourth option है 0। ये question है 8 अप्रैल 2019 का। आप कहोगे सर 20 और 21 का क्यों नहीं लिया? अरे कुछ उसके लिए भी तो छोड़ दो, टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज के लिए भी थोड़े क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे ना, वो उसमें लिए हैं 2021 और 20 के। ठीक है, 19 के क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोला है। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन दो केस में होता था, लेकिन इसमें देख रहे हो D1, D2, D3 जीरो है। अगर D1, D2, D3 जीरो है तो D1, D2, D3 भी जीरो होंगे। अब बच्चों ये तीनों जीरो कब होते थे? दो केस में, जब यूनिक सॉल्यूशन, जब डी नॉन जीरो होता था ट्राइवियल सॉल्यूशन का केस, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डी जीरो होता था। बात समझ आ रही है? तो यहां पर हमारे पास नॉन ट्राइवियल बोला है, नॉन ट्राइवियल का मतलब है हमारे पास ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस,
बात को समझे, D1, D2, D3 मैं फिर से ले चलता हूं, D1, D2, D3 तीन दो जगह जीरो हो रहे थे, लेकिन ये ट्राइवियल सॉल्यूशन का केस है और ये नॉन ट्राइवियल, हमसे नॉन ट्राइवियल बोला है, इसका मतलब ये वाला केस है। ये केस कब होता है जब ये जीरो है और डी जीरो है, तो आपको क्या करना है, डी जीरो करना है, बस आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से बोलता है तो डी जीरो करें, तो बस डी जीरो करें, तो इट इज वन माइनस सी माइनस सी, बस इतना ही करना होता है, सी माइनस वन सी एंड सी सी माइनस वन इक्वल टू जीरो, डी जीरो कर दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, ऐसे सीखते हैं। सो दिस इज वन इंटू वन माइनस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू सॉरी प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी इंटू इट इज माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस सी इट इज सी स्क्वायर प्लस वन, सही लिखा है ना मैंने क्वेश्चन, इट इज वन माइनस सी सी माइनस वन सी एंड सी सी माइनस वन सी सी माइनस वन सी माइनस वन सी एंड वन माइनस सी माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। बस आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा हो ये वन, अच्छा ये इसमें नहीं जाएगा ना, इसमें अच्छा ये सी था, ठीक है, इट इज सी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब आपको इसमें दिख रहा हो कि इसमें अगर आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो वन प्लस सी इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें से आप माइनस सी निकाल दो तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बाहर, इट इज वन प्लस सी, और इसमें से सी कॉमन निकाल दो तो माइनस सी स्क्वायर इट इज वन प्लस सी, तो पूरे में से वन प्लस सी कॉमन, क्या बच गया, वन माइनस सी बचा, ये बचा माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इट इज वन प्लस सी, इट इज सी स्क्वायर माइनस प्लस टू सी माइनस वन, सिंप्लीफाई कर लें तो वन प्लस सी इट इज सी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये गलत हो गया, टू सी स्क्वायर प्लस सी है, ठीक है, हाँ टू सी स्क्वायर प्लस सी है, तो टू सी स्क्वायर टू सी माइनस सी माइनस वन, तो दिस इज टू सी माइनस वन इंटू सी प्लस वन, सी प्लस वन एक और है उसका होल स्क्वायर, मतलब सी की वैल्यू आ रही है भाई माइनस वन एंड वन बाई टू, ये इसने पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, वन बाई टू, वन बाई टू आंसर होगा, आंसर विल बी वन बाई टू। समझ में आया, एक और प्रॉब्लम लेते हैं देखिए और खत्म करेंगे। कहां पूछा गया ठाकुर, कहां हो तुम, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, 2019 का ही, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बोल रहा है इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू सिक्स एंड एक्स प्लस थ्री वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू, वेयर लेमडा एंड म्यू बिलोंग्स टू रियल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन लेमडा प्लस म्यू इज ऑप्शन नंबर वन 12, ऑप्शन नंबर टू 9, ऑप्शन नंबर थ्री 7, ऑप्शन नंबर 4 10। सीधे सीधे बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब डी इक्वल टू डी वन इक्वल टू डी टू इक्वल टू डी थ्री, तीनों क्या होते हैं जीरो, आपको कुछ नहीं करना, पहले डी जीरो करो उससे लेमडा निकल जाएगा, तो वन 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 टू टू वन थ्री लेमडा क्या होगा जीरो, इसे सॉल्व कर लेंगे इससे लेमडा आ जाएगा, और डी वन डी टू डी थ्री कोई सा भी ले लें, मान लो मैंने डी थ्री ले लिया उसको जीरो कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट रो सेम रहेगी वन 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 इजी है ना, सेकेंड रो भी सेम रहेगी, और थर्ड रो के जेड वाले कोफिशियंट जो थे उसकी जगह कॉन्स्टेंट कोफिशियंट 5, 6 और म्यू, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो आपने दोनों को जीरो कर दिया, इससे क्या मिल जाएगा अपन को, आंसर मिल जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेमडा और म्यू निकाल लेंगे सम करके जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। तो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट मान लीजिए कि आपको ये कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं, आप क्वेश्चन लगाते जाएं, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसके हिसाब से आपने अपना क्या कहते हैं एक नोट्स बना लीजिएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने लिखा है, नोट्स बना लीजिएगा और इसे अच्छे से याद करें और इस पे क्वेश्चन करते समय बार बार सोचें, शुरू शुरू में हो सकता है आपको देखना भी पड़े लेकिन बार बार सोचें, आपका फायदा जरूर 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 होगा, ठीक है दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।